बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद शब रात कभी भी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है, और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, इसको बंद करें सब। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, और वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया कुछ वक्त के बाद, और मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं बहुत परेशान था, कर्ज भी ले लिया था 1 लाख रुपया, भूख सर पर थी, मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था अपने हालात पे। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई जरूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ते से बोली, पागल तू है, वही परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं, ये कंगन बेचकर अपना खर्च कर, बेटी का इलाज करवा, शक्ल तो देख जरा क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ते से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे भूसा किया और 1,000 रुपया मुझे दे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद वो उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा और कहा कि देख कैसे तेरे बाल सफेद हो गए। वो जल्दी से जाने लगी, उसके पैरों की तरफ मैंने देखा तो टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, और जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती। बहन की इस मोहब्बत में मर गया था मैं। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था, उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल चाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून सा आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं,